जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 49। आज के लेक्चर में हमने कल कुछ होम असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस होने से रह गए थे। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ नहीं किए थे। आज डिस्कशन कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर, इसको पढ़ेंगे। होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, आज की क्वेश्चन नंबर 14 है हमारी बुक और एमसीक्यूज आईकैप की बुक में 23 से 29 तक। डिस्कशन की तरफ चले, अटेंटिव है, चलिए। पहला क्वेश्चन 7 तक हमने कल कर लिए थे ना। ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग बिजनेसेस आर पार्टनरशिप आर नॉट, बताइए कि ये बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है। अजहर एंड बाबर स्टार्टेड ए बिजनेस टूगेदर एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो कंक्लूसिव एविडेंस होता है ना कि जब भी प्रॉफिट शेयर होगा लाजमी है पार्टनरशिप है। प्राइमा फेशिया एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दे मेड ए फॉर्मल एग्रीमेंट टाइटल्ड पार्टनरशिप डीड, उन्होंने एक एग्रीमेंट भी बनाया जिसका नाम पार्टनरशिप डीड रखा। हाँ, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट भी कर लिया। एंड इंक्लूडेड ऑल पॉसिबल लीगल क्लॉजेस टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड कंफ्यूजन बिटवीन देम इन फ्यूचर। बताइए सारी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या लग रहा है, ज्यादा चांसेस क्या है, पार्टनरशिप है कि नहीं? बिल्कुल है, प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है, काफी हद तक एविडेंस हमें इससे भी मिल गया, और फिर इसके बाद एग्रीमेंट भी किया बकायदा, और एग्रीमेंट पार्टनरशिप का किया है, तो इससे हमें कंफर्म हो गया पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस है। बी, ऑल्दो देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन देम, बट अरसलान रेगुलरली बायज ओल्ड फर्नीचर एंड रिपेयर्स इट, एंड देन हिज कजन फैसल सेल्स द फर्नीचर एंड दे बोथ शेयर द प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप नहीं है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पार्टनरशिप है, कितनों का ख्याल है नहीं है? नहीं है, ये पार्टनरशिप है। हाँ, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड एग्रीमेंट तो है, वो एक प्रैक्टिस के ऊपर चल रहे हैं, और उस प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि दोनों कुछ ना कुछ काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो इसका मतलब है ये पार्टनरशिप की इंडिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस है। सी, अरसलान एंड नुमान आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस एंड लेट इट टू ए पेइंग गेस्ट, और पेइंग गेस्ट को किराए पे देते हैं। दे डिवाइड द रेंट बिटवीन देम, को ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं होती। शाबाश, तो ये को ओनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है। डी, गफार एंड जबार परचेज्ड ए शॉप, इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस टू रेनोवेट इट, कंट्रीब्यूटिंग इट इन द रेशियो 50-50 एंड देन लीज्ड आउट द शॉप ऑन रेंट विच वाज शेयर्ड इक्वली बाय देम, इज दिस ए पार्टनरशिप? अब देखिए, इन्होंने खरीदने के बाद कुछ खर्च भी कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली रेंट शेयर कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है, ये भी को ओनरशिप है। डी, ई, अहमद एंड रिजवान आर जॉइंट ओनर्स ऑफ ए शिप, अहमद वर्क्स ऑन द शिप, टेक्स द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ इट एंड मेड्स ऑल द एक्सपेंसेस, ही टेक्स 2/3 ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स, टेक्स 2/3 ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स एंड पेज ओवर द बैलेंस टू रिजवान हु डज नथिंग। अच्छा देखिए, इसमें दो इशूज है, एक इशू यह है कि रिजवान कुछ भी नहीं कर रहा, अहमद कर रहा है, लेकिन इससे हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर हो सकते हैं जो कि कोई काम ना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। शाबाश, वो कोई काम नहीं कर, ये पॉसिबल है, लेकिन असल में हमें पता कहां से चला? ग्रॉस अर्निंग से, ग्रॉस अर्निंग शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट हो वो शेयर किया जाता है। ये क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। एफ, अमजद अप्लाइड फॉर ए लोन फ्रॉम एबीसी बैंक फॉर हिज बिजनेस, इट वाज डिसाइडेड दैट बैंक विल गेट 20% ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन लिव ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह एग्री हुआ कि बैंक 20% लेगा प्रॉफिट या लॉस का, तो बैंक पार्टनर हो गया? नहीं, वो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, ये लेंडर ऑफ मनी है, लेंडर ऑफ मनी को अगर आप प्रॉफिट का कोई शेयर देते हैं पार्टनर नहीं है। जी सलीम, द लाइसेंस प्रोप्राइटर ऑफ ए थिएटर लेट्स द यूज ऑफ इट टू जमील फॉर ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट्स, थिएटर था ड्रामा वगैरह के लिए उसने जमील को दे दिया किराए पे। सलीम मैनेजेस द थिएटर एंड बियर्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस। अच्छा, सिचुएशन क्या है कि सलीम थिएटर को मैनेज कर रहा है और सारे खर्चे खुद उठा रहा है। ही ऑल्सो इनकर सर्टन एक्सपेंसिस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड द बैंड, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए भी कुछ खर्चे कर रहा है। ही ऑल्सो कलेक्ट्स डोर मनी ऑफ विच ही रिटेन्स हाफ एंड हैंड्स ओवर टू द अदर हाफ टू जमील, तो जमील को सिर्फ रेवेन्यू का एक हिस्सा 50% दिया जा रहा है, बाकी सारे काम वो खुद कर रहा है। अब देखिए, जमील को जो चीज मिल रही है
वो रेवेन्यू का शेयर है या कि प्रॉफिट का? रेवेन्यू का शेयर है, इसका मतलब वो ये पार्टनरशिप नहीं है। हुसैन ए पब्लिशर एग्रीज टू पब्लिश एट हिज ओन एक्सपेंसिस ए बुक रिटन बाय बुरहान एंड टू पे बुरहान हाफ द नेट प्रॉफिट्स, हाफ द नेट प्रॉफिट। अब हुसैन पब्लिशर एग्री करता है कि वो बुक पब्लिश करेगा किसी दूसरे पर्सन की अपने खर्चे पे, यानी सारे खर्चे वो खुद उठाएगा। ए बुक रिटन बाय बुरहान एंड टू पे बुरहान हाफ द नेट प्रॉफिट, और बुरहान को आधा प्रॉफिट देगा। अच्छा, अब इसमें आई कैप के मुताबिक आपके मुताबिक क्या है? कितने सर कह रहे पार्टनरशिप है, कितनों कह रहे पार्टनरशिप नहीं है? पार्टनरशिप क्यों नहीं है? हाँ, रॉयल्टी पे कर रहा है, लेकिन रॉयल्टी तो रेवेन्यू की बेस पे होती है ना, कि यहाँ पे वो नीचे देखिए हाफ द नेट प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, नेट रिसीट्स की बात नहीं कर रहा। उसने अपना बिजनेस बेच दिया गुडविल के लिए, अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो फिर उसे मिलेगा? नहीं, इसमें बिजनेस तो नहीं बेचा, बिजनेस उसने तो कहा कि वो हुसैन सिर्फ एक बुक पब्लिश करेगा बुरहान की। तो मेरे ख्याल में ये पार्टनरशिप हो सकती है। आई कैप ने लिखा नहीं, आई कैप ने रॉयल्टी का केस ही लिखा है कि ये पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन रॉयल्टी में नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि रेवेन्यू होता है जिसकी बेस के ऊपर पेमेंट की जाती है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप लग रही है कि एक बुक पब्लिश करने की हद तक पार्टनरशिप क्रिएट की गई है और उसमें से प्रॉफिट में से शेयर जा रहा है, प्रॉफिट में से। इसमें जो अहम लफ्ज़ है जिसके ऊपर कंक्लूजन पे पहुंचे हम, वो ये नेट प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे रिसीट्स की बात कर रहा होता तो फिर कंफर्म था कि ये पार्टनरशिप नहीं। हाँ, एक्सपेंसिस तो ऐसा हो सकता है कि पैसे इन्वेस्टमेंट एक ही पार्टी करे, दूसरी पार्टी इन्वेस्टमेंट ना करे। क्या हमने ये पढ़ा नहीं है कि पॉसिबल है कि कुछ पार्टनर कैपिटल ना लेके आए? कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी तो नहीं है। एक्सपेंसिस बियर करने का मतलब एक्सपेंस पे कर रही है, बाद में तो एक्सपेंसिस नेट होके नेट प्रॉफिट कैसे आता है? एक्सपेंसिस को लेस करके आता है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, केस है आई, रहीम ए क्लर्क इन करीम्स बिजनेस एंटर्ड इनटू ए वर्बल एग्रीमेंट। वर्बल एग्रीमेंट से कोई मसला होता है? कोई मसला, वर्बल एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप में चलता है। वर्बल एग्रीमेंट विद करीम फॉर 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट रादर देन ए फिक्स सैलरी। रहीम क्लर्क ने कहा कि मुझे फिक्स सैलरी के बजाय 10% प्रॉफिट का शेयर दे। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट द बिल्डिंग इन विच द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन शुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ करीम एंड ऑल वर्क एंड डिसीजंस विल बी सोली डिसाइडेड बाय करीम। बिल्डिंग भी करीम की, कैपिटल भी करीम का, सारी डिसीजन मेकिंग वगैरह भी करीम की। तो इसका मतलब रहीम का स्टेटस क्या हुआ? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय को अगर सैलरी के बजाय प्रॉफिट का परसेंटेज दे दें पार्टनर नहीं बनता। इससे हमें देखें, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है आप कंफर्म किसी डिसीजन पे ना पहुंचे, कंफर्म नहीं पहुंच सकेंगे। आपने अंदाजा लगाना है कि ज्यादा चांस किस चीज का है। तो ज्यादा चांस क्या है कि ये क्लर्क एम्प्लॉय है, सैलरी के बजाय इसे प्रॉफिट की परसेंटेज मिल रही है, इससे वो पार्टनर नहीं बनता। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा इसमें कौन कौन सी फेवर में जा रही है? रहीम के पार्टनर होने की फेवर में जा रही है वो एक चीज सिर्फ, कि प्रॉफिट की परसेंटेज मिल रही है। और जो इसके अगेंस्ट आ रही है, एक तो वो कैपिटल नहीं लेके आया, और फिर वो डिसीजन मेकिंग में उसे किसी भी डिसीजन में उसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, और वो क्लर्क भी है, ठीक है। तो इसीलिए वो एम्प्लॉय का ज्यादा, हालांकि एन मुमकिन है कि कोई पार्टनर ऐसा हो जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना हो, ये ऐसा पॉसिबल है। उस लिविंग पार्टनर की एग्जांपल हमने पढ़ी, लेकिन इसमें चूंकि कंटेक्स्ट से हमें लग रहा है कि ये एम्प्लॉय का स्टेटस है इसका, इसलिए हमने इसे पार्टनरशिप से में इंक्लूड नहीं किया। जे अहमद एंड बाकर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्री टू कैरी ऑन प्रैक्टिस इन कॉमन एट द ऑफिस ऑफ अहमद अंडर द नेम अहमद एंड बाकर फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। Terms of agreement entered into between them provide that Barker should manage the office and supervise the clerical work and that he should draw a fixed allowance of ₹20,000 per month in addition to profit. Profit bhi milega, fixed salary bhi milegi. Aisa possible hai kya? Bilkul, agar agree kare to phir aisa possible hai. It is further agreed that losses if any shall be borne by Ahmed alone. Losses sirf Ahmed hi bardasht karega. And that after 7 years Ahmed would be entitled to the office and all the other equipment and Barker would not have any right or claim in respect of Them. जी बताइए, क्या ये पार्टनरशिप है? Yes, क्या आर्गुमेंट्स आपके पास फेवर में? एक तो ये कि पार्टनरशिप का नाम, फर्म का नाम में दोनों शामिल है, ये एक बड़ी इंडिकेशन होती है। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, ये भी एक इंडिकेशन है। और लॉस शेयर, तो पार्टनर के लिए लॉस शेयरिंग लाजमी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि पार्टनर लॉस शेयर ना कर रहा हो?
शुड बी बोर्न बाय एंड दैट आफ्टर 7 ईयर. हाँ, 7 ईयर कुछ अर्से के लिए अगर फिक्स कर दिया आपने तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाता है. तो इसमें फैक्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों पार्टनर हैं. के जाजिब एंड गालिब जॉइंटली परचेज्ड अ टी शॉप एंड इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग पॉटरी एंड सम अदर मटेरियल टू फर्निश द शॉप. द मनी वॉज कंट्रीब्यूटेड हाफ एंड हाफ एंड देन द रेंटेड आउट द शॉप. देन दे रेंटेड आउट द शॉप. द रेंट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय देम. को ओनरशिप. ए कस्टमर हु ओपन्स लॉस शेयरिंग अकाउंट विद ए बैंक. बैंक के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट ओपन किया तो बैंक का पार्टनर थोड़ी बन जाएंगे. चलिए, अब असल में ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे. इन सब क्वेश्चन का मकसद था आपको एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करवाना. अब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन नीचे दो हैं. तीन है टोटल, 11 हमने कर लिया. आज 9 और 10 करते हैं. और इसमें यही कंसेप्ट जो पिछले हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इतनी सिचुएशंस पढ़ी हैं उनका मकसद यही था आपको इस काबिल बनाना कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें. अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसका मतलब है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में जितने भी कंसेप्ट थे वो आपने समझ लिए. स्टार्ट करें जी. रिक्वायरमेंट में कह रहा है केस स्टडी में पहले नॉर्मली रिक्वायरमेंट पढ़ लेना बेहतर होता है. डिस्कस वेदर अदीव्स विडो वुड बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म. बताइए अदीव के विडो. ये तो वैसे ही हमें पता है, रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल गया किसी भी पार्टनर के विडो पार्टनर अनलेस के उसके साथ अलहदा से एग्रीमेंट कर लिया जाए जिसमें उसे एज पार्टनर एड किया जाए. लेकिन हमने उसके आर्गूमेंट्स के लिए केस को पढ़ते हैं. कह रहे मोइज अदीव एंड मुमताज वर पार्टनर्स इन अ फर्म. अदीव डाइड. मोइज एंड मुमताज कंटिन्यू द बिजनेस एंड एग्रीड टू गिव 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस टू द विडो ऑफ अदीव एज एनुइटी. एग्जिस्टिंग पार्टनर ने एग्री किया कि विडो को 10% प्रॉफिट एनुइटी के तौर पे पे करते रहेंगे जैसा कि पहले को शेयर होगा इनका 10% का. तो ये बताइए अब क्या विडो को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है? क्या वो पार्टनर हो गई? पार्टनर नहीं. क्यों पार्टनर नहीं हुई? एक्सेप्शन में लिखा हुआ था. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. X has been carrying on textile business for the past 5 years. For the past 5 years, X business textile का चलाता रहा है. He has recently met Y who is an expert in textile designing. Recently वो Y से मिला है जो कि expert है textile designing में. X and Y have agreed that Y would advise X on various technical issues and use his contact for the benefit of the business. उनकी understanding हो गई कि Y क्या काम करेगा. Y would be entitled to 35% of profit of the business. Y को business का 35% profit के तौर पे मिलेगा. Profit का share मिल रहा है. Confirm हो गया partner है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. इसे एक इंडिकेशन मिली कि वो पार्टनर हो सकता है. कंफर्म नहीं है. अभी आगे चलें. हाउएवर वाई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी कैपिटल. वाई कैपिटल भी नहीं लेके आएगा. अच्छा, तो क्या इसका फिर मतलब क्या पार्टनर के लिए कैपिटल लाना जरूरी होता है? नहीं. पार्टनर तो इसका मतलब है ज्यादा चांस, ज्यादा बात किस तरफ जा रही है? पार्टनरशिप की तरफ. क्योंकि इसे प्रॉफिट का शेयर भी मिल रहा है, बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, प्रॉफिट का शेयर भी मिल रहा है और कैपिटल नहीं ला रहा. लेकिन कैपिटल लाना जरूरी नहीं है. फिर इसके बाद एंड विल नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. डे टू डे अफेयर्स में काम पार्टिसिपेट नहीं करेगा पार्टनर. ऐसा पॉसिबल है डे टू डे अफेयर में काम ना? तो अभी तक कोई कंडीशन वायलेट हुई है जो सेंशल है पार्टनरशिप का? कोई भी वायलेट हुआ है? नहीं हुआ वायलेट. अंडर द प्रीवियस पार्टनर एनालाइज द अबव सिचुएशन एडवाइस. तो बताइए कि क्या एनालाइज का मतलब क्या है? आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि सर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है जिससे हमें एविडेंस मिल रहा है कि ये पार्टनर है. रीजन कंक्लूसिव नहीं है लेकिन प्राइमा फेशी एविडेंस है कि वो पार्टनर है. और इसके बाद हाँ, वो बिजनेस में वो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. नो प्रॉब्लम, पार्टनर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. वो कैपिटल भी नहीं ला रहा, ये लिखा हुआ ना? हाँ, कैपिटल नो प्रॉब्लम, पार्टनर के लिए कैपिटल लाना भी रिक्वायर्ड नहीं है. तो बताइए जब कोई भी एसेंशियल वायलेट नहीं हो रहा, जब कोई भी एसेंशियल, तो ये क्या है? ये पार्टनरशिप है. अगर एक भी एसेंशियल वायलेट हो रहा होता तो फिर पार्टनरशिप नहीं होती. नहीं, अगर कोई एसेंशियल वायलेट ना हो रहा हो तो इसका मतलब हाँ, ये भी एक चीज है कि कुछ एसेंशियल्स का उसने जिक्र नहीं किया. उसने ये नहीं बताया कि एक्स और वाई एक दूसरे के एजेंट होंगे कि नहीं होंगे. उसने एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया. ठीक है, लेकिन जिस एसेंशियल्स के बारे में नहीं बताया, अज्यूम करेंगे कि पूरा हो रहा है. क्लियर? आवाज ठीक आ रही थी? सही आ रहे थे, मध्यम आ रही थी, धीरे से आ रही थी ना? कोई बात नहीं, समझ आ गई. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. 11 क्वेश्चन 11 तुमने कल कर लिया? बस ठीक है, फिर डिस्कशन था. और तो कोई क्वेश्चन नहीं? 12 और 13 है? नहीं. अच्छा, होमवर्क जब था,
हाँ होमवर्क ये कल करेंगे ना, कल वाली आज की असाइनमेंट के साथ ऐड होगा, आज लिखा हुआ उधर। चलिए ये भी कल करेंगे, हाँ ये आज की असाइनमेंट के साथ ऐड कर ले इसको, ये कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे डिस्कशन को। जी अच्छा, कल हमने कंसेप्ट स्टडी किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आज कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करें जी। पार्टनर्स के कितने टाइप्स हैं? बहुत सी टाइप्स हैं। अच्छा बड़ी टाइप्स दो ही है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बड़ी टाइप्स दो ही है। हाँ एक्टिव पार्टनर जिसे एक्चुअल पार्टनर भी कहते हैं, एक्चुअल एक्टिव पार्टनर, और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा लेकिन स्लीपिंग पार्टनर से एक मिलती जुलती टर्म है साइलेंट पार्टनर, साइलेंट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है लेकिन एग्जाम में ज्यादातर वो स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट टेस्ट करता है। तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो बड़ी टाइप्स होंगी पार्टनर्स की वो क्या है, एक्टिव या एक्चुअल पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन सम टाइम पार्टनर बाय स्टॉपेल और सब पार्टनर का कंसेप्ट भी वो टेस्ट करता है। हालांकि ये दोनों पार्टनर बाय स्टॉपेल और सब पार्टनर का कंसेप्ट हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बेस इसकी इसी लेक्चर में हमारी बन जाए ताकि नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर्स में आसानी हो हमारे लिए। तो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। कल क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कितनी टाइप्स थी, कौन कौन सी? हाँ पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। किसमें नोटिस दे के पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप एट विल में, शाबाश। और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, पीरियड या पर्पस खत्म हो जाए फिर भी चलती रहे, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट, नया एग्रीमेंट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, शाबाश, कर ले तो अच्छा है, जरूरत नहीं है, नए एग्रीमेंट के बगैर भी कंटिन्यू करते हैं तो पार्टनरशिप एट विल समझ जाएगी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्चुअल पार्टनर, पहले एक्चुअल पार्टनर जिसे एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। ऑस्टेंसिबल पार्टनर तो शाज़ और नादरी टर्म यूज करता है, जहन में रख लें, असल में टर्म ज्यादातर एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर की यूज करता है। दूसरा स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर भी, डोरमेंट का मतलब ही स्लीपिंग होता है। फिर साइलेंट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल या एक्टिव पार्टनर, ये पार्टनर की वो टाइप है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो डे टू डे बिजनेस को संभालता है, बिजनेस के कामों को संभालता है। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यानी अगर छह पार्टनर है तो हो सकता है एक पार्टनर की जिम्मेदारी लगाई हो कि तुमने सारा बिजनेस संभालना है, बाकी पांच घर बैठेंगे। हो सकता है पांच पार्टनर की जिम्मेदारी लगाई हो कि आपने बिजनेस संभालना है, छठा पार्टनर घर बैठा हो। तो एक्टिव पार्टनर या एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं, हर रोज बिजनेस में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, काम करते हैं, घर चले जाते हैं। सारी दुनिया को पता होता है कि ये बिजनेस है और इसका पार्टनर ये है। सारी दुनिया को पता होता है, मतलब जनरल पब्लिक एट लास्ट को पता होता है कि ये बिजनेस का पार्टनर ये है। बिजनेस का पार्टनर कौन? एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर। सबको पता है कि बिजनेस का पार्टनर ये एक्टिव पार्टनर है। और वो किसी के पास जाके जब कोई सेल परचेज कर रहा होगा तो लोगों को पता होगा कि ये बिजनेस के लिए सेल परचेज की बात कर रहा है। बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा, बैंक को पता होगा कि ये इस बिजनेस का पार्टनर है, इसलिए इसके लिए लोन ले रहा है। जब वो जाके ये नहीं कहेगा कि मैं ABC फर्म पार्टनरशिप के लिए लोन ले रहा हूँ, सिर्फ वो ये भी जाके कह दे मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो बैंक को पता चल जाएगा कि ये किस बिजनेस की बात कर रहा है। क्यों भला? वो एक्टिव या एक्चुअल पार्टनर है, और एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर का सारी दुनिया को पता होता है कि यही है वो पार्टनर जो बिजनेस को संभालता है, मैनेज करता है। क्या एक्चुअल पार्टनर बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है? दो अहम चीजें ध्यान में रखिएगा, बिजनेस की मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होता है, नोन टू अदर्स है, यानी दूसरे लोगों को पता है कि ये है पार्टनर, दूसरे लोगों को पता है। अच्छा बताइए, जब दूसरे लोगों को पता ये पार्टनर है और ये पार्टनरशिप को छोड़ना चाहे तो चुप करके घर चला जाए, के इश्तिहार दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब ये बिजनेस का हिस्सा नहीं रहा। ये नोटिस दे अखबार में, इश्तिहार दे, क्या इश्तिहार दे कि मैं छोड़ रहा हूं बिजनेस का हिस्सा। ये इश्तिहार प्रैक्टिकली कोई पार्टनर भी रिजाइन करने वाला दे सकता है और पार्टनरशिप फर्म भी दे सकती है, शाबाश भाई। इश्तिहार चाहिए जनरल पब्लिक को, इश्तिहार चाहे रिटायरिंग पार्टनर की तरफ से हो या फर्म की तरफ से चलेगा,
इतला देनी चाहिए, ये नहीं चुप करके वो चला जाए, चुप करके चला जाए। भाई ये बात समझ आई? पब्लिक नोटिस पार्टनर भी दे सकता है, पब्लिक नोटिस फर्म भी दे सकती है। यहां पे बताइए आगे चला जाऊं कि कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं? लेकिन ट्विस्ट थोड़े फिर टेढ़े मेढ़े हैं। तैयार है फिर? अच्छा, एक्टिव पार्टनर था, बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा साला साल तक, सारी दुनिया को पता था पार्टनर है। उसने एक दिन लड़ाई होगी दूसरे पार्टनर से, उसने कहा मैं पार्टनर नहीं हूं, बाकी पार्टनर का ठीक है जाओ घर, वो घर चला गया। ना रिटायरिंग पार्टनर ने नोटिस दिया, ना फर्म ने नोटिस दिया। अब रिटायरिंग पार्टनर जो है इंतकाम की आग में जल रहा है। देखा साला साल की मेहनत, दिन रात मैं काम करता रहा, ये पहले साइलेंट पार्ट, कोई जानता भी नहीं था इनको, हैं दो तीन पार्टनर साइलेंट भी थे उसमें, चलो बाकी पार्टनर को लोग जानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा काम खून पसीना है। अब जब इस क्या मुझे निकाल बाहर किया, जहन में आइडिया आया, अगले दिन गया बैंक के पास और कहने लगा मुझे जानते हैं आप? बैंक वाले ने कहा क्यों नहीं जानते आपको, आपसे पहले भी कई दफा डीलिंग हो जाए। उसने कहा लेकिन पहले मैं लाखों में लोन लेता रहा हूं आपसे, आज मैं करोड़ों में लोन लेता। बैंक ने कहा पहले भी आप टाइम पे वापस करते रहे हैं, अब भी उम्मीद है टाइम पे वापस करेंगे। मैंने कहा बेफिक्र रहे, टाइम पे वापस करूंगा, पहले भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। 5 करोड़ का लोन लिया, दुबई निकल गया, दुबई निकल गया। बताइए क्या फर्म लायबल है? बिल्कुल फर्म लायबल है। क्यों बल, हालांकि पार्टनर नहीं है, कल छोड़ चुका है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, फर्म ने गलती की पब्लिक नोटिस ने। फर्म को इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए था? पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए था, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। जनरल पब्लिक तो यही कंसेप्ट याद आया, थर्ड पार्टी डिड नॉट हैव नॉलेज, थर्ड पार्टी डिड नॉट हैव नॉलेज, तो इस सिचुएशन में ला थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इसका मतलब है बैंक थर्ड पार्टी है, वो पार्टनर से जो फर्म से पैसे रिकवर करवाएगा कि नहीं? रिकवर करवाएगा, फर्म लायबल है। ये बात समझ आ गई? फर्म लायबल है। अच्छा बताइए फर्म अगर 5 करोड़ अदा कर देती है तो क्या वो उस पार्टनर से रिकवर करा दे? तो वही पहुंच गया, बिल्कुल, अगर उनके हाथ आ गया तो, लेकिन अब हाथ नहीं आएगा उनके पास, अब गया वो, लेकिन अगर मिल जाए कहीं रिकवर कर, क्लियर हो गया? चलिए अब सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखते हैं। दोनों की लड़ाई हुई, दोनों की लड़ाई, रिटायरिंग पार्टनर का मैं जा रहा हूं, कहा जाओ। रिटायरिंग पार्टनर घर आ गया, अब बाकी पार्टनर बैठे इंतकाम की आग में जल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई इसको इतनी, इसको जानता कोई नहीं था, इसको इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, सारे पैसे पोजीशन मंथली सैलरी इतनी अच्छी इसकी रखी, इसको प्रॉफिट का शेयर देते रहे, लेकिन फिर भी हमारी छोटी सी बात नहीं मानी और झगड़ के घर चला गया, इंतकाम की आग। अगले दिन उन्होंने एक फैसला किया, क्या उन्होंने कहा अब बैंक के पास जाते हैं। बैंक के पास गए, उन्होंने कहा हमें पहचानते हैं? बैंक ने कहा हाँ आपके पास आते जाते मुलाकात होती है, आप भी तो ऑफिस में बैठ रहे थे, वो दूसरे साहब का क्या हाल है? उन्होंने कहा वो ठीक है, आज ना की तबीयत खराब है, घर आराम करें। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, किस लिए हाजिर हुए? 5 करोड़ का लोन, पहले लाखों में लोन लेते रहे हैं, अब करोड़ों में ले। बैंक ने कहा कोई बात नहीं, पहले भी पे करते रहे, अभी पे कर देंगे? बिल्कुल पे करेंगे। 5 करोड़ का लोन लिया पार्टनर ने और उसके बाद ऐलान कर दिया कि नुकसान हो गया, बिजनेस बंद। अब पार्टनरशिप बंद हो गई, बैंक ने लोन रिकवर करवाना है, क्या वो उस रिटायर्ड पार्टनर से रिकवर करवा सकता है? Yes, कैसे रिकवर करवा सकता है? अभी वो तो रिटायर हो चुका है। Yes, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, पब्लिक नोटिस नहीं दिया था तो स्टिल लायबल है, जैसा कि दूसरे पार्टनर है। लॉ इसको इसको ये सोचा, इसीलिए याद रखे पब्लिक नोटिस जरूरी होता है, पब्लिक नोटिस जरूरी। आपको याद है एजेंट वाले टॉपिक में भी हमने यही कंसर्ट पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल एजेंट को रिमूव कर दे और पब्लिक नोटिस ना एजेंट ना प्रिंसिपल दे, और एजेंट थर्ड पार्टी के साथ जाके एग्रीमेंट कर रहा है, अब प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं? लायबल है। तो इसीलिए याद रखे जब कभी एजेंसी या प्रिंसिपल का रिलेशनशिप टर्मिनेट हो या पार्टनरशिप में कोई टर्मिनेशन हो, रिटायरमेंट हो, पब्लिक नोटिस देना लाजमी है, वरना दोनों एक दूसरे के लिए लायबल हो सकते हैं। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना तो पार्टनरशिप कोई काम करेगी तो पार्टनर लायबल हो सकता है, और अगर पार्टनर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो पार्टनरशिप फर्म लायबल हो सकती है। ये कंसेप्ट बोथ वे में काम करता है, डबल एज्ड वेपन है। क्लियर हुई है बात? चलिए ये तो था, इसीलिए खास तौर पे पब्लिक नोटिस लिखा हुआ है, पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, जैसे डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं,
ये कौन सा पार्टनर है? वो जो घर में बैठा हुआ है, सो रहा है, वो ना तो डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, और ना ही इसे कोई जानता है कि ये भी पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब घर में, ऑफिस में थोड़ी सोएगा, घर में जाके सोएगा। तो घर में सो रहा है इसका मतलब है ना वो बिजनेस में हिस्सा ले रहा है, और ना ही बिजनेस में आने जाने वाले लोग उससे मेल मुलाकात कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, कोई भी नहीं जानता उसको कि ये भी पार्टनर है। ये क्या होगा? स्लीपिंग पार्टनर, सोया हुआ पार्टनर। ठीक है, सोया। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये रिटायर होता है, पार्टनरशिप को छोड़ता है, पब्लिक नोटिस होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं, अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा तो लोग ये नहीं समझ रहे होंगे कि अभी भी पार्टनर है, लोग ये नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि ये भी पार्टनर है। लोगों को जब कभी नहीं पता चला कि ये पार्टनर है, तो अभी भी नहीं पता चलेगा कि ये पार्टनर नहीं है। भाई ऐसे ही है ना, भाई नोटिस तो उसके लिए जरूरी है ना, जिसका पता हो कभी कि ये पार्टनर है, और जिसका पता ही नहीं पार्टनर है अभी कि नहीं, नहीं पता, यानी नहीं है पार्टनर, इल्मी नहीं है, उसका नोटिस देना जरूरी है। भाई समझ आ रही कुछ बात? स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में भी नहीं होता, दूसरों को पता भी नहीं होता, इसका पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं। अब बताइए मुझे, क्या आपको एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में फर्क समझ आया? अब एक दरमियान वाला पार्टनर हो रहा है, तो दोनों के एक्टिव से नीचे है, स्लीपिंग से ऊपर है, यह है साइलेंट पार्टनर, यानी बिजनेस में है, मैनेजमेंट में नहीं है, बिजनेस में है, मैनेजमेंट में नहीं। अच्छा बताइए, लोगों को पता होगा कि नहीं कि ये भी पार्टनर है? पता होगा, पता होगा, क्योंकि बिजनेस में है, मैनेजमेंट में नहीं है। इसने दो तीन उल्टे सीधे मशवरे दिए होंगे ना, कभी ये एक्टिव पार्टनर होता था, दो तीन उल्टे सीधे मशवरे दिए, उन्होंने कहा बस समझ लग गया, तुम्हारे मशवरे पे चले ना तो दो महीनों में डूब जाएंगे, आइंदा तुम पार्टनर के तौर पर रहोगे तो सही, किसी फैसले में बोलना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इस तरह का मशवरा देते हैं, अरे दूसरों को भाई तुम करके देखो, देखते हैं अच्छा निकले तो खुद भी काम कर लेंगे, वरना कहेंगे अच्छा ठीक है ये काम नहीं करूंगा। भाई तो ऐसा करो, तुम पांच पेपर रख लो, पांच पेपर रख लो, देखते हैं पास होता है कि नहीं होता। जब रिजल्ट आ गया, खुद भी फैसला कर लिया क्या कि पांच नहीं रखने, पांच नहीं रखना। तो इसी तरह का कोई मशवरा देने वाला था, इसको कहा बिजनेस में तो हो, मैनेजमेंट में नहीं हो, इसको कहते हैं साइलेंट पार्टनर। स्लीपिंग नहीं है, जाग रहा है, देख रहा है, सुन रहा, बोल नहीं रहा, बोलने को मना किया गया इसकी हरकतों की वजह से, है साइलेंट, जबान पे ताला लगा, नॉट इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट। साइलेंट में और स्लीपिंग में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं जी। हाँ, अगर ये रिटायर हुआ तो नोटिस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों को पता है कि ये पार्टनर है, लोगों को पता है ना, मैनेजमेंट में नहीं है, बिजनेस में तो है। देखें, ये मैनेजमेंट में भी है, बिजनेस में भी है, ये ना मैनेजमेंट में ना बिजनेस में, और ये मैनेजमेंट में नहीं है, बिजनेस में है। क्लियर हो गया? हाँ, मे और मे नॉट लिखा हुआ है, क्या क्या मतलब? स्लीपिंग में क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, मे और मे नॉट, हाँ वाई कैप ने लिखा है, हमने इसलिए छापा मारा है उसका, लेकिन ये मैनेजमेंट में नहीं होता। स्लीपिंग में लिखा मे और मे नहीं, अगर ट्रांसफर होना चाहे तो हो सकता है, जैसे कभी कभी ये भी तो एक्टिव पार्टनर था, इसकी हरकतों से इसे से, तो अगर ये तोबा कर ले तो हो सकता है इसको दोबारा एक्टिव पार्टनर बना दिया जाए। उसी तरह अगर स्लीपिंग पार्टनर चाहे तो बन सकता है, लेकिन बाद में स्टेटस चेंज होके, ठीक है, फिलहाल नहीं बन सकता। पार्टनर अगर एग्री करें ना कि चलो इसको भी मैनेजमेंट में हिस्सेदार बना देते हैं, तो फिर उसको बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता, लेकिन अभी के अभी एज ऑन पोजिशन पे वो मैनेजमेंट में हिस्सेदार नहीं। अब होता है होल्डिंग आउट पार्टनर। कौन सा पार्टनर? होल्डिंग आउट पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर। कुछ याद आ रहा है? होल्डिंग एजेंट में क्या पढ़ा था? उसका नाम क्या था? एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी तो पार्टनर बाय स्टॉपल। जैसे एजेंसी बाय स्टॉपल वैसे पार्टनर बाय स्टॉपल, जैसे एजेंसी बाय स्टॉपल पार्टनर, एजेंसी बाय स्टॉपल का कंसेप्ट क्या था कि अगर आप किसी को अपना एजेंट कह दें और इस स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन दे दें कि ये मेरा एजेंट है, इस स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एजेंट थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर ले तो प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं, ये था एजेंसी बाय स्टॉपल। एजेंसी बाय स्टॉपल क्या था कंसेप्ट?
कि अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए और कि ये एजेंट है और दूसरे लोग इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई ट्रांजैक्शन कर लें, तो प्रिंसिपल लायबल है। ये कौन सा कंसेप्ट था? एजेंसी बेस्ड ऑपल। पार्टनर बेस्ड ऑपल कंसेप्ट क्या है? अगर किसी को पार्टनर कह दे है नहीं, जैसे एजेंट भी एक्चुअली था नहीं, रिप्रेजेंटेशन दे दी के था, अगर कोई पार्टनर नहीं है रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, जैसे हम कहते हैं ये भी भाई है हमारा, तो भाई हो जाता क्या? नहीं। किसी को कह दिया हमारा भाई है, जायदाद में हिस्सा मांगने आ जाए शाम को, देंगे हिस्सा? नहीं देंगे, दो लगा के भेजेंगे इसको। तो लेकिन अगर किसी को कह दिया पार्टनर है नहीं, वैसे ही कह दिया खुश कर भाई ये पार्टनर है हमारा, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी ने, बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन कर दी इसके साथ, तो हम लायबल हैं कि नहीं? फर्म लायबल है, बिल्कुल लायबल है। तो ये हमारा एक्चुअल पार्टनर नहीं है, कौन सा पार्टनर है? कौन सा पार्टनर? पार्टनर बाय स्टॉपर या होल्डिंग आउट पार्टनर, ठीक है? जैसे एजेंसी बाय स्टॉपर होती थी कि कोई हमारा एजेंट नहीं है, हमने कह दिया कि एजेंट थर्ड पार्टी ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो प्रिंसिपल लायबल है, ठीक है? हाँ लायबल, हर चीज के लिए लायबल, वो कोई भी एक्ट करे। देखिए अगर हमने किसी को पार्टनर कह दिया, ओ असल में पार्टनर नहीं था, कह दिया इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो हम लायबल हैं, क्लियर? और ये कंसेप्ट बोथ वेज में काम करता है, डबल एज्ड वेपन, डबल एज्ड वेपन, दो धारी तलवार। कैसे? पहली धार तलवार की देखें, वो क्या है कि मैंने कहा ये भाई पार्टनर है, अगले दिन ये भाई ने एक्चुअली पार्टनर नहीं थे, बैंक से जाके लोन ले आए, क्या फर्म लायबल है? बैंक ने इस रिप्रेजेंटेशन, हमारी रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई करते हुए लोन दिया, लायबल है, लायबल है। दूसरा केस, हमने कहा पार्टनर है, बैंक ने कहा अच्छा, ये भी सामने मौजूद था, अगले दिन हम जाके लोन ले आए, इसकी रेपुटेशन अच्छी थी, बैंक ने लोन दे दिया, बताइए हमने लोन लेके उड़ा दिया, क्या ये लायबल है? यह पार्टनर बाय स्टॉपर। इसका मतलब यह, हाँ हम तो कंफ्यूज हो गए, ये तो नोटिस वाली बात में भी यही मिसाल फिट की थी सर ने, रिटायरमेंट में नोटिस नहीं दिया उस पर भी यही मिसाल फिट की थी, और ये पार्टनर बाय स्टॉपर में भी यही मिसाल फिट की है, तो दोनों एक ही चीज है। कहा जाता है कि जब रिटायरिंग पार्टनर नोटिस नहीं दे, एक्टिव पार्टनर था नोटिस ना दे, तो जो उसके बाद ट्रांजैक्शन होगी ना उसमें वो पार्टनर बाय स्टॉपर का कंसेप्ट लगेगा, वो पार्टनर बाय स्टॉपर समझा जाएगा। इसी तरह एजेंसी में भी आपको याद होगा यही कंसेप्ट था, अगर एजेंसी टर्मिनेट हुई और पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो ऑस्टेंसिबल यानी होल्डिंग आउट अथॉरिटी समझी जाएगी, वो एजेंसी बाय स्टॉपर समझी जाएगी। क्लियर हुआ? तो आगे चल के जब आप डिटेल में कंसेप्ट स्टडी करेंगे ना पार्टनर बाय स्टॉपर का, इसकी एग्जांपल, तो पार्टनर बाय स्टॉपर की कंसेप्ट समझाते हुए कहेगा, अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन दे, कंसेप्ट समझाते, पार्टनर बाय स्टॉपर का कंसेप्ट समझाते हुए क्या मिसाल देगा, अगर आपने किसी को कहा ये हमारा पार्टनर है, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी ने एग्रीमेंट कर लिया, तो आप लायबल है, ये कंसेप्ट। फिर आगे उस कंसेप्ट की एग्जांपल्स बताएगा कि हाँ एक और केस में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, किस केस में? अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर हो जाए और नोटिस ना दे, उसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है? तो एक्टिव पार्टनर अगर नोटिस नहीं देता तो उसकी भी लायबिलिटी होगी, उसे फिर कौन सा पार्टनर समझा जाएगा? भाई बात साइलेंट, पार्टनर में प्रॉफिट होनी चाहिए, ये तो आपको पता है, कौन सा पार्टनर? लॉस में शेयर ना करता हूँ, नॉमिनल पार्टनर, बराए नाम का पार्टनर। अच्छा इसमें एक इख्तलाफ है मेरा और आई कैप का, नॉमिनल पार्टनर में, आई कैप कहता है नॉमिनल पार्टनर, अच्छा नॉमिनल पार्टनर का कंसेप्ट सेम है, मतलब उस पर मैं एग्री करता हूँ, वो कहता है नॉमिनल पार्टनर है कोई बंदा अगर बड़ा मशहूर है, किसी मशहूर बंदे को जानते हैं आप? मौलाना तारिक जमील साहब, शाबाश शाबाश, मौलाना तारिक जमील, अब्दुल सारिद, इन्होंने कहा मौलाना तारिक जमील साहब को पार्टनर बना लेते हैं, उनकी माशाल्लाह रेपुटेशन अच्छी है, तो हमारे बिजनेस में लोग अच्छी ट्रेडिंग होगी। तो मौलाना साहब ने कहा ठीक है, आप नेक काम के लिए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लें, बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं होगी मेरी तरफ से, आप नाम इस्तेमाल कर लें और मुझे मुनाफे में से भी हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है? ये है नॉमिनल पार्टनर की एग्जांपल, ठीक है? यानी बराए नाम, नॉमिनल पार्टनर का मतलब बराए नाम, नॉर्मली गुड रेपुटेशन की वजह से इन किया जाता है, हाँ गुडविल की वजह से। आई कैप कहता है, यहां तक मैं और आई कैप सेम पेज पे है, अब जहां पे फर्क आता है ना वो ये, आई कैप कहता है ये प्रॉफिट में शेयर नहीं करेंगे,
ये प्रॉफिट में नहीं शेयर नहीं करेंगे, जबकि पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जो प्रॉफिट में शेयर नहीं करेगा ना वो पार्टनर ही नहीं है, वो पार्टनर ही नहीं है। तो इसलिए अगर ये पार्टनर है ना तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग जरूर होती है, शुरू है, ठीक है। चलिए बारह मैंने बता दिया, ये ना आप बुक पढ़े तो उसमें डिफरेंट बात लिखी हो तो आप परेशान हो जाए। हाँ लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी, यानी अगर फर्म डूब गई तो चूंकि लोगों को पता है कि ये एक पार्टनर है तो नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। ये बात समझ आ गए? सब पार्टनर या जिसे ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो मेरे ख्याल कल भी बात हुई थी ट्रांसफरी की, बात कल हुई थी, क्या बात हुई थी? हाँ कि अगर चार पार्टनर है, एक पार्टनर को पैसों की अशद जरूरत पड़ गई और उसने पहले दूसरे लोगों से पूछा मेरा शेयर खरीद लो पैसों की जरूरत है, दूसरे ने कहा पैसे नहीं है, लेकिन बाकियों ने इजाजत दे दी क्या अपना शेयर किसी और को बेच दो, तो अगर वो शेयर किसी और को बेच देता है, मिस्टर डी ने आगे मिस्टर ई को शेयर बेच दिया, तो याद रखें ये डी और ई की ट्रांजैक्शन है, ये पार्टनरशिप की और ई की ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें ई ने डी को पैसे दिए और डी ने अपना इंटरेस्ट उसको बेच दिया। अब डी पता क्या कहेगा फर्म को, एबीसी को, कहेगा यार बात सुनाओ मैंने तो पैसे लेके अपना बेच दिया शेयर, तो मैं तो अब निकल रहा हूँ पार्टनरशिप से, ठीक है तुम ऐसा करो कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसके साथ, आइंदा जब कभी जो भी प्रॉफिट होगा ना, चूंकि मैंने अपना हिस्सा बेच दिया है तो उसका हकदार मैं नहीं, तुम ना ये मिस्टर ई को प्रॉफिट देते रहना, और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो ना तो जितना भी हिस्सा बने वो मिस्टर ई को ट्रांसफर कर देना, मुझे ना देना। हालांकि सरकारी तौर पे मैं पार्टनर हूं और ई सरकारी तौर पे कुछ भी नहीं है फर्म में, लेकिन चूंकि मैंने अपना हिस्सा बेच दिया है इसीलिए बराए मेहरबानी आइंदा से जो भी प्रॉफिट और शेयर होगा वो किसको दे देना, ई को, मुझे ना देना। एबीसी ने कहा अच्छा ठीक है बात समझ आ गई, हम हिस्सा दे देंगे, देखो पैसों की ट्रांजैक्शन की, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें पैसे मिले बदले में उसको पैसे देंगे, हम दे देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन ई को एक बात अच्छे तरीके से समझा दो, खबरदार उसने अगर कभी किसी को कहा कि वो हमारा पार्टनर है, खबरदार अगर उसने बिजनेस में आकर इंटरफेयर करने की कोशिश की, खबरदार अगर उसने हमारे मामलात में फैसला करने की टांग अड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसका स्टेटस एक सब पार्टनर का है, पार्टनर का नहीं है, सब पार्टनर पता किसको होता है, पार्टनर का पार्टनर, अभी सब पार्टनर ही होता ना, पार्टनर का पार्टनर, तो ई का स्टेट, वो ई का फर्म से ताल्लुक नहीं है, पार्टनर से ताल्लुक है, तो ई याद रखे कभी फर्म में आके पार्टनर होने का हक नहीं जता सकता, इसे कहते हैं ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट या सब पार्टनर। इस केस में अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होगी, डी की के ई की, डी की, ई की नहीं होगी, ई तो पार्टनर ही है ही नहीं, शाबाश शाबाश, ई तो पार्टनर है नहीं, और सरकारी तौर पे कौन पार्टनर है, डी। भैया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ आ गया, सब पार्टनर, हमने ये कंसेप्ट जो है ना पार्टनर बाय स्ट्रोपल का और सब पार्टनर का, ये आपको इस चैप्टर में डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल मौजूद है, हमने डिटेल में कंसेप्ट पढ़ने हैं, बेस मैंने अभी यहाँ बना दी ताकि आगे चल के आसानी हो जाए। क्लियर? अब ऐसा कीजिए आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद क्विज स्टार्ट करते हैं, मैं तब तक क्विज सेटअप करता हूँ, ये पास कीजिएगा जी। चलिए अब क्विज कंडक्ट करते हैं, अटेंटिव हो जाए। प्रोसेस आपको पता है, menti.com पे जाना है आपने, menti.com, और कोड एंटर करना है 2127-1035। ट्वेल्व क्वेश्चन है आज, जितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, 5 सेकंड का रीडिंग टाइम है, उसके बाद ऑप्शन है कि सिलेक्ट करने, सिस्टम आपको पता है। जी अच्छा, एंड पे जिन का प्राइस हो ना टॉप 5 में से, तो अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें एविडेंस के तौर पे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम एविडेंस चेक करेंगे। स्टार्ट करें जी, तैयार है? चलिए पहला क्वेश्चन, जी एक्स एंड वाई फॉर्मड ए पार्टनरशिप फॉर्म टू अंडर टेक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग प्लाजा कंस्ट्रक्ट करने के लिए पार्टनरशिप की, तो कौन सी पार्टनरशिप होती है ये,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप, शाबाश, बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट, 88 स्टूडेंट्स ने ठीक जवाब दिया। क्वेश्चन टू, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप का कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंक्लूसिव एविडेंस है? ये प्राइमा फेशिया एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? एजेंसी रिलेशनशिप, ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है, याद रखिएगा, एजेंसी रिलेशनशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस प्राइमा फेशिया एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अच्छा, एसेंशियल्स में प्रॉफिट शेयरिंग भी था, एसेंशियल में एजेंसी रिलेशनशिप भी था, लेकिन ज्यादा डिस्कशन हमारी प्रॉफिट शेयरिंग पे होती रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो क्या है? एजेंसी रिलेशनशिप। ये केस स्टडी में एजेंसी रिलेशनशिप इसलिए नहीं डिस्कस करता क्योंकि उसे पता है जैसे ही उसने एजेंसी रिलेशनशिप कहा ना, आपने आंखें बंद करके कह देना ये पार्टनरशिप है, उसका कंक्लूसिव एविडेंस होता है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइजेज बाय लीगल स्टेटस ऑफ द पर्सन, राइजेज आउट ऑफ बिजनेस डीलिंग। पार्टनरशिप का रिलेशनशिप कैसे बनता है? लीगल स्टेटस से, बिजनेस डीलिंग से भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से या लीगल इम्प्लीकेशन से? कॉन्ट्रैक्ट से, शाबाश, ठीक है, लीगल पोजीशन से नहीं, लीगल जी, तो कॉन्ट्रैक्ट से ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप बनता है, यानी पार्टनरशिप क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, इसमें लीगल की एग्जाम्पल क्या है? जैसे फर्ज कीजिए ए और बी ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, ए की डेथ हो गई, अब लीगली ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी हर प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन क्या इस केस में जो लीगली सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो जो ए जिसकी डेथ हुई है इसके बच्चे हैं वो अब इनहेरिटेंस की वजह से अब क्या पार्टनर बन गए अपने वालिद की जगह पर? नहीं, जब तक कि एग्रीमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए हम ये कहते हैं लीगल स्टेटस की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से कोई पार्टनर नहीं बनता, बल्कि पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, पार्टनरशिप फर्म हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इफ फर्म इज रजिस्टर्ड, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट जी, कंपनी, कंपनी फर्म में हमने पढ़ा था, नहीं हमने नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ेंगे के सेपरेट लीगल स्टेटस होता है पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पढ़ा था कि पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही चीज समझे जाते हैं। क्वेश्चन फाइव, पर्सन Who have entered into partnership with one another collectively, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ ने गलत किया होगा, देख लीजिएगा, persons who have entered into partnership with one another collectively called क्या कहलाते हैं? Firm, शाबाश, partnership नहीं, collectively उन्हें firm कहा जाता है, दिया ये लिख, सी पार्टनरशिप पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा, ये कोनेस वाले भी हैं, ये मर्जी है। क्वेश्चन सिक्स, ये तो मेरा डुप्लीकेट ही हो गया तकरीबन तकरीबन, और अगर ये भी किसने गलत किया हो तो ये एक भाई स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट, शाबा, सेवन, ए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लॉयड भी हो सकता है, और एक्सप्रेस में सिर्फ राइटिंग होना चाहिए,
ओरली भी हो सकता है. तो शाबाश, डी ऑप्शन करेक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी, एक्सप्रेस भी हो सकता है एम्प्लॉयड भी, और एक्सप्रेस में राइटिंग भी हो सकता है, इन राइटिंग भी, ओरली भी. क्वेश्चन 8, जी पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टीज क्या शेयर करती हैं? प्रॉफिट, लॉसेस नहीं शेयर करते? हाँ जी, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो डी है. ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट रिक्वायर्ड, सिर्फ प्रॉफिट है, लेकिन पार्टीज प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं. और इवन ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में उसने, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होती है ना, अगर कहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50-50 है, लॉस हो गया तो वो किस रेशो से जाएगा? 50. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वही लॉस शेयरिंग रेशो भी समझी जाती है. ठीक है, क्वेश्चन 9, जी अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता है, नोटिस किसी एक पार्टनर को दे या सारे पार्टनर्स को? नोटिस किसी एक पार्टनर को दे, सारे पार्टनर्स को नोटिस देना चाहिए. सारे पार्टनर्स को पता होना चाहिए ना कि एक पार्टनर जा रहा है. अच्छा सुन ले, सुन ले, एक अहम चीज आपको बताऊं, थर्ड पार्टीज के लिए सारे पार्टनर को नोटिस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टीज के लिए एक पार्टनर बाकी पार्टनर का एजेंट है. थर्ड पार्टी ने अगर कोई नोटिस देना है, वो एक एक्टिव पार्टनर को भी नोटिस दे दिया, समझा जाएगा सबको मिल गया. लेकिन पार्टनर्स आपस में अगर कोई एक पार्टनर जाना चाहे तो उसने नोटिस सबको देना है. इनमें से किसका एक पार्टनर का स्टेटस होता है? सब पार्टनर, सब पार्टनर का स्टेटस होता है पार्टनर का. माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी पार्टनर नहीं होता. डिसीज्ड पार्टनर, वो तो मर गया, वो कहां से पार्टनर रहा? लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर नहीं. हाँ, स्ट्रोपेल पार्टनर, साहब ट्रांसफरी का भी इंटरेस्ट नहीं होता. पार्टनर बाय स्ट्रोपेल का स्टेटस लास्ट वाला, तो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट का पार्टनर जस्ट लास्ट वाली ऑप्शन डिस्प्ले नहीं आ रही थी? नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर करना था ना आपने उसको, मोबाइल स्क्रीन पे नीचे. चलिए अब अगर 5 ऑप्शन आए तो छठी भी चेक कर लीजिएगा, मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करके. Which of the following is not liable for the debts of the firm? इनमें से कौन सा फर्म के डेट्स के लिए लायबल नहीं है? साइलेंट पार्टनर लायबल है, डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नॉमिनल पार्टनर, ये भी है पार्टनर, सब पार्टनर लायबल नहीं है. सब पार्टनर तो पार्ट है तो लायबल भी नहीं है, इसीलिए. तो फिर कौन सी ऑप्शन थी सेलेक्ट की, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की फिर? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ना. नॉमिनल पार्टनर लायबल है, बताया नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. अब आपके ऑप्शन आ गए थी छड़ी ऊपर स्क्रीन क्या छड़ी ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन, 50 रुपए के लिए. करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल. Thank you.
नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप एट विल. सही कह रहा है, गलत कह रहा है, हमने करेक्ट ऑप्शन सुने. इफ नो डेट इज मेंशन्ड इट डिसॉल्व्स व्हेन नोटिस इज रिटन. नहीं. इफ डेट इज मेंशन्ड इट डिसॉल्व्स व्हेन नोटिस इज कम्युनिकेटेड. ना ना देखिए ये क्यों करता है. इफ डेट इज मेंशन्ड तो डेजोल्यूशन होगी नोटिस कम्युनिकेट करने से, नहीं जो उसमें डेट मेंशन हुई है उससे डिसॉल्व होगी. मैं ये नहीं बताया हुआ क्या, अगर डेट मेंशन हो तो नोटिस देते वक्त डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप. चलिए टॉपर्स टॉप फाइव, जुलकर नैन भाई शाबाश. जुलकर नैन भाई, जुलकर भाई ये जरा दीजिए. जुलकर नैन भाई स्क्रीन देख लीजिएगा, पहली पोजीशन ही हो. सेकंड पोजीशन 1174469 1174 से सेकंड पोजीशन पे कौन है? हाइब्रिड में है कोई? नहीं है. थर्ड पोजीशन पे 1245 07 1245 07. जी नहीं नहीं मैंने मैंने अल्लाह जानता, मैंने देखा था उधर, मुझे नजर नहीं. सेकंड पोजीशन 1174. अच्छा हाइब्रिड वालों को मेरे पे गुस्सा बहुत है ये पता चल गया. 1174 69. जी जी दीजिए इनको प्राइस, फोरन सेकंड प्राइस. मुजम्मिल अली, मुजम्मिल अली, मुजम्मिल अली शाबाश. 1254 31 फिफ्थ पोजीशन में नहीं है कोई? हाइब्रिड, हाइब्रिड में होगा, हाइब्रिड में फिफ्थ. हाँ वो देखा, वो भाई पीछे खड़े शाबाश, भाई कर दीजिए शाबाश. चलिए ये आज की असाइनमेंट नोट कर लीजिए. अच्छा असल में आज के ये एमसीक्यूज भी मैंने आपके इंक्लूड कर दिए थे, दो तीन एमसीक्यूज होंगे शायद जो नहीं है, तो आपकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो गई है. आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम. अल्लाह हाफिज़.